नमस्कार, क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपके भी प्ले स्टोर से स्नैपचैट डाउनलोड नहीं हो रहा है, वहाँ पर डाउनलोड पेंडिंग दिखा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर हैं। मोबाइल पर आने के बाद अगर आपके प्ले स्टोर से स्नैपचैट डाउनलोड नहीं हो रहा है, वहाँ पर डाउनलोड पेंडिंग दिखा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के डिस्प्ले को ऊपर से नीचे की ओर डाउन करना है। डाउन करने के बाद आपको यहाँ से यह चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में मोबाइल डाटा ऑन है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में मोबाइल डाटा ऑन है, इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, उसके बावजूद भी आपके फ़ोन में स्नैपचैट डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आपको अपने फ़ोन में एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर से आपको इसको ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि फिर से आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और स्नैपचैट डाउनलोड करके देखना है कि आपका जो स्नैपचैट है वह डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। अगर आपका स्नैपचैट इतना से भी डाउनलोड नहीं होता है, तो अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में एक ऐप मैनेजमेंट या आपको एक एप्लीकेशन मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपके फ़ोन में जो भी ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐप लिस्ट पे जाना है। जाने के बाद आपके फ़ोन में जितना भी ऐप इंस्टॉल्ड होगा वह दिखने लगेगा, तो इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर ढूंढ लेना है। गूगल प्ले स्टोर ढूंढने के बाद अब आपको गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और एक बार आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डाटा यूजेज डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ से आपको यह चेक करना है कि आपके फ़ोन में डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई, यह जो दोनों ऑप्शन है आपके फ़ोन में ऑफ है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में ऑफ नहीं है तो इसको सिंपल ऑफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कट करना है। इतना करने के बाद आपको यह भी चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल में आपका जो इंटरनेट है, जो इंटरनेट MB है, वो बचा हुआ है या ख़त्म हो गया। कभी कभी होता क्या है कि लोगों का इंटरनेट ख़त्म हो जाता है और वह उनका जो आधा डाउनलोड हुआ रहता है, तो वहाँ पर वो पेंडिंग दिखाने लगता है, जिसके कारण उनका डाउनलोड नहीं हो पाता है। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट MB भी बचा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार लास्ट में क्या करना है कि अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट होने के बाद आपको अपने फ़ोन में फिर से आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्नैपचैट सर्च करना है। तो चलिए यहाँ पर हम स्नैपचैट सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको स्नैपचैट दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर स्नैपचैट को डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा देर पेंडिंग दिखाएगा, तो आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ से वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगेगा और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी होने लगेगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में स्नैपचैट डाउनलोड हो गया है। तो अगर आपके फ़ोन में स्नैपचैट डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो उस प्रॉब्लम को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।